हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेढक की आकारिकी से। दोस्तों देखिए, मेढक की आकारिकी से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेढक से लेकर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पूर्व की परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपने इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है फॉरेस्टर की, यानी कि वन दरोगा की जो भर्ती निकली हुई है, इसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कृषि से आपसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें से आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, ये कोशिश आप करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम, और शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें मेढक की आकारिकी इससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूर्व की परीक्षाओं में कई बार आ चुके हुए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, मेढक और टोट का गण यानी कि ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेढक और टोट का जो गण है वो होता है एन्यूरा, ठीक है। एन्यूरा जो है इसका गण और ऑर्डर है। तो इसी को देखते हुए हम जो है थोड़ा सा इसके मेढक के क्लासिफिकेशन पे हम बात कर लें। दोस्तों देखिए, सामान्य भारतीय मेढक का नाम होता है राना टिकरीना, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इसके हम फाइलम की बात करें, संघ इसका कॉर्डेटा है, और उपसंघ कशेरुकी या इसको क्रेनिएटा आप कह सकते हैं। और इसको वर्ग किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है उभयचर वर्ग में रखा जाता है, ठीक है, क्लास में। उसके बाद इसके गण की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ये एन्यूरा यानी कि इसको सेलियंसिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है, एन्यूरा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिला। उसके बाद अगला इसका वंश की बात, जीनस की बात करें, तो इसका जीनस जो है राना, इसको राना जीनस के अंतर्गत रखा जाता है। और इसकी जाति जो है टिग्रीना इसकी जाति है, जैसे कि आप इस चार्ट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इससे ये चीज था। तो इस मेढक का पूरा हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें मेढक में क्लोएका, ठीक है, क्लोएका मूत्राशय, क्लोएका जो क्लोएका होता है मेढक में, तो वो मूत्राशय मार्ग, प्रजनन मार्ग, और किसके लिए, ठीक है, किसके लिए सामान्य कक्ष है, ठीक है। ये क्लोइका जो है ये एक तो मूत्राशय के लिए होता है, मूत्र मार्ग के लिए होता है, और किस चीज के लिए, जो चार यहाँ पर दिए हैं, चार पांच, इनमें से किसके लिए और होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री केनाल के लिए क्लोइका जो होता है मूत्राशय मार्ग और प्रजनन मार्ग, और एलिमेंट्री केनाल के लिए क्या होता है, एक सामान्य कक्ष होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण मेढक का नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा लक्षण मेढक का नहीं है, ये हमें बताना है। इसमें देखिए, आप मेढक की जो त्वचा होती है वो नम और चिकनी होती है, ये सही है। प्रत्येक अग्रपाद और पश्चपाद में 5 उंगलियां होती है, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसके प्रत्येक अग्रपाद और पश्चपाद में 5 उंगलियां नहीं होती है। इसके मेढक की जो अग्रपाद होते हैं उसमें 5 उंगलियां नहीं होती, उसमें 4 उंगलियां होती है, छोटा हैंड होता है, और पीछे के उसमें पीछे वाले जो पाद होते हैं उसमें 5 उंगलियां होती हैं, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। आप जो है इसको पढ़ के देख लीजिएगा, ये बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा हमारे लिए। उसके बाद देखें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न चित्र को देखकर क्रमशः ए से सी तक के जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको पहचानना है, ठीक है। ए से सी तक, ए बी और सी, इन तीनों को पहचानना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ए को हम अगर देखें, तो ए जो है इसमें धड़, ए धड़ हो गया सबसे पहले, धड़ इन दो ऑप्शन में आता है, बी और डी में। उसके बाद दूसरा बी है, ठीक है, तो बी जो है ये टिम्फेनम है, और सी जो है आप वेव इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच में, इनके बीच में पाद जाल इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सी, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सामान्य टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों देखिए, टोड मतलब सामान्य टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूफो मेलेनोस्टिक्टस, ठीक है, ये ऑप्शन सी यहां पर सही वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आप टोड में पाए जाते हैं, ठीक है, टोड में क्या पाए जाते हैं। दोस्तों टोड में क्या पाए जाते हैं, पैरोटिड ग्रंथियां, सूखी व खुरदरी त्वचा, और अर्धचंद्राकार थूथन, ठीक है, ये पाई जाती है। इसमें सूखी और खुरदरी त्वचा पाई जाती है, अर्धचंद्राकार थूथन पाया जाता है, और पैरोटिड ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ये टोड में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आप पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती है। दोस्तों पैरोटिड ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं, तो पैरोटिड ग्रंथियां किस में पाई जाती है,
व्यूफो में पाई जाती है। हमने देखिए यहाँ पर व्यूफो का हमने कहा था, व्यूफो जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, टोड का वैज्ञानिक नाम है। तो टोड में पाए जाते हैं पैराटिड ग्रंथियाँ, और यहाँ पर घुमा के प्रश्न पूछा है पैराटिड ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है, तो ये व्यूफो में यानी कि टोड में पाई जाती है। उसके बाद आगे अगला प्रश्न है, मेढक की अशुद्ध रक्त वाहिकाओं के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मेढक की अशुद्ध रक्त वाहिकाओं के लिए जो है कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, मस्कुलो क्यूटेनियस तथा ब्रैंकियल जुड़कर सबक्लेवियन बनाती हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का बी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, मेढक शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करता है निम्न के दौरान। ठीक है, तो शीत निष्क्रियता यानी कि शीत निष्क्रियता, तो जाहिर सी बात हो तो शीत ऋतु के दौरान ही ये शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है मेढक की ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेढक की ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहेंगे, ये कहा जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, शीत निष्क्रियता, देखिए यहाँ पर शीत निष्क्रियता को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, तो ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12 में चले, तो मेढक का विच्छेदन अधर सतह से किया जाता है, क्योंकि देखिए जब मेढक को काटा जाता है प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए, तो उसको अधर सतह से यानी कि उदर के साइड से काटा जाता है। ठीक है, तो इसको अधर सतह से क्यों काटा जाता है, इसकी जो कशेरुक दंड होती है वो पृष्ठ सतह पर उपस्थित होने के कारण जो है इसको अधर सतह से विच्छेदन किया जाता है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 आप देखिए, नर मेढक मादा मेढक से अधिक तीव्र स्वर में टर्राता है, क्योंकि दोस्तों देखिए नर मेढक जो है मादा मेढक से अधिक तीव्र गति से तीव्रता से टर्रा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास वोकल सैक होता है। ठीक है, वोकल सैक होता है, इसलिए जो है वो तीव्र गति तीव्रता से टर्रा सकता है। उसके बाद आगे अगला प्रश्न देखिए, मेढक का टर्राना है, दोस्तों ये प्रश्न जो है इस बार या फिर कहीं ना कहीं ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया हुआ था, तो ये मेढक का टर्राना किस चीज के लिए संकेत है, तो ये मादा के लिए लैंगिक आवाज होती है। ठीक है, तो मादा के लिए लैंगिक आवाज होती है मेढक का टर्राना। उसके बाद मेढक का विकास होता है, दोस्तों मेढक का विकास जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, मेढक का विकास कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बार में मादा मेढक कितने अंडे देती है। ठीक है, तो एक बार में जो मादा मेढक होती है वो 2,500 से 3,000 तक जो है अंडे दे सकती है। इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेढक में मलाशय का द्वार कहलाता है। ठीक है, तो मेढक में मलाशय का द्वार क्या कहलाता है, ये क्लोए का कहलाता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक सामान्य क्लोएक छिद्र पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोएक छिद्र हमने यहाँ पर बात की, इसी प्रश्न को जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया, तो क्लोएक छिद्र किस में पाया जाएगा, राना में यानी कि मेढक में, यानी कि जो राना जीनस के जितने भी जीव पाए जाएंगे उनमें जो है क्या पाया जाएगा, क्लोएकल छिद्र पाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कायांतरण के दौरान टेडपोल की पूंछ का अदृश्य होना किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो कायांतरण के दौरान टेडपोल की पूंछ का अदृश्य होना किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम्स के द्वारा होता है। ठीक है, लाइसोसोम। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेढक के पश्चपादों में उंगलियों की संख्या होती है। दोस्तों मेढक की अभी हमने बात की थी, उसके आगे के पैर छोटे होते हैं और पीछे के पैर जो है थोड़ा अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 22 का बी देखिए आप, उसके अगले पैर में 4 और पिछले पैर में 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, पश्चपाद में। अगला प्रश्न है, मेढक की मुख गुहा में पाए जाने वाले अंतःनाशा छिद्र होते हैं, तो अंतःनाशा छिद्र कितने होते हैं दोस्तों, ये 2 होते हैं, ऑप्शन बी यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, मेढक में म्यूकस क्या करने में सहायक होता है। तो म्यूकस क्या करने में सहायक होता है दोस्तों, देखिए मेढक में म्यूकस जो है ये होता है त्वचा को नम बनाए रखने में सहायक होता है, क्या, म्यूकस। ठीक है, तो उसकी त्वचा नम होती है, मेढक की त्वचा नम होती है, तो आप इसे म्यूकस ये कार्य करता है, उसकी त्वचा को नम बनाए रखने में सहायक होता है। मेढक के शुक्राणु का एक्रोसोम निषेचन में सहायता करता है। तो दोस्तों मेढक का शुक्राणु एक्रोसोम जो है निषेचन में सहायता करता है। तो किस प्रकार की सहायता करता है, तो आप देखेंगे शुक्राणु के द्वारा स्रावित लाइसिन जो होता है, शुक्राणु के द्वारा एक लाइसिन साबित होता है, तो वो अंड कोशिका की झिल्ली को घोल देता है। ठीक है, अंड कोशिका की झिल्ली को क्या करता है, घोल देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आगे, तो मेढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स किस स्तर में पाए जाते हैं। तो मेढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स जो है अधिकांशतः स्पॉन्जियोसम में पाए जाते हैं, स्पॉन्जियोसम में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेढक की त्वचा का एक प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों मेढक की त्वचा का प्रमुख कार्य देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मेढक जो है
श्वसन का कार्य भी करता है, गैसों का आदान प्रदान यानी कि विसरण करना इस जो है इसकी त्वचा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु जब मेढक के अंडे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो जब एक शुक्राणु जो है मेढक के अंडे में प्रवेश करता है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है इसके बाद इसमें जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न। उसके बाद है, मेढक में अंडों के आसपास की जली जमा रहती है। देखिए जली की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो मेढक में अंडों के आसपास की जली जमा रहती है। तो दोस्तों देखिए कहाँ जमा रहती है, ये अंड नलिका में जमा रहती है। ठीक है, अंड नलिका में जमा रहती है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, मेढक में जीभ की सतह से जुड़ी होती है। ठीक है, मेढक में जीभ की सतह से जुड़ी होती है, क्या जीभ की सतह से जो है मेढक में क्या जुड़ी होती है? तो ये हायोइड उपकरण जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, मेढक के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही या गलत हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, मॉड्यूला ऑब्लगेटा मोनेरो के फोरामेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। और उसके बाद अगला इसमें है, वासा इन्फरसेंसिया संख्या में 10 से 12 होते हैं, जो वृषण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो वृषण से उत्पन्न होते हैं दोस्तों, देखिए ये सही है, ऑप्शन बी, वासा इन्फरसेंसिया संख्या में 10 से 12 होते हैं, जो वृषण से उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद अगला है, अंडाशय का वृक्क के साथ कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता, ये भी सही है। पहला वाला गलत है, मेढक यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर इसको देखेंगे हम, 2 और 3 सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सी सही बनेगा, 2 और 3 सही हैं जबकि 1 और 4 गलत हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक में पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके मध्य पाई जाती है? ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके मध्य पाई जाती है मेढक में? तो इसका राइट आंसर है आमाशय और ग्रहणी। ठीक है, आमाशय और ग्रहणी इसका राइट आंसर है। मेढक में वसा का पाचन मुख्यतः होता है, तो मेढक में जो वसा का पाचन होता है वो मुख्यतः किस में होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेढक का पूर्णतः विकसित टेटपोल लार्वा किसके द्वारा श्वसन करता है? दोस्तों देखिए, जब उसका मेढक का जो टेटपोल लार्वा होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है? तो वो करता है गिल्स के द्वारा। वो आपने देखा होगा, जब मेढक होता है तो वो पहले एक लार्वा जो उसका इस तरह का लार्वा होता है मेढक का, ठीक है, तो फिश टाइप का दिखाई देता है, आपने देखा होगा पानी में, तो वो गिल्स के द्वारा जो है श्वसन करता है। यहाँ पर हम देखें तो इस चित्र में दिया गया चित्र मेढक के आंतरिक भागों के क्रियात्मक प्रदर्शन से संबंधित है। इसमें ए से ई तक के इन चीज़ों को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पहचानना है, उसके बाद हमको अपना आंसर जो है इसमें मैच करके बताना है। दोस्तों देखिए, जो ए पर है, ठीक है, ए पर यानी कि ये वाला चीज़ जो है ये, तो ये क्या है, ये है पित्ताशय। ठीक है, ये पित्ताशय है। उसके बाद बी पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये फेफड़े हैं। ठीक है, उसके बाद सी में हम देखेंगे ये इसकी ये वसाकाय है। ठीक है, ये वसाकाय है। और डी में वृक्कक है, सी बता दिया हमने, अब उसके बाद डी बताना, तो डी ये क्या है, वृक्कक है। और ई इसके बाद ई हमको बताना ये क्या है, मलाशय है। ठीक है, मलाशय ये डी है। चलिए ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर और ए वाला ये सही हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, यदि कुछ समय तक मेढक का मुंह खुला रखा जाए तो यह मर जाता है क्योंकि वह नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर उसका मुंह कुछ देर तक खुला रह जाए तो वो मर जाता है क्योंकि क्यों मर जाता है, क्योंकि वो श्वसन नहीं कर पाता है, इसलिए मर जाता है। अगला प्रश्न है, शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक श्वसन करता है। दोस्तों शीत निष्क्रियता के दौरान जो है मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक करता है केवल नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है वो। शीत निष्क्रियता के दौरान जो है एक स्थान पर पड़े रहता है काफ़ी समय तक, भोजन भी नहीं करता शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान। ठीक है, वो पोखरों आदि में कम से कम 2-3 फीट की गहराई में खोद करके वहाँ पड़ा रहता है और केवल नम त्वचा के द्वारा ही वो श्वसन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद आगे है, मेढक और अन्य कशेरुकों के रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्णक या ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है, श्वसन वर्णक या ऑक्सीजन वाहक क्या होता है मेढक और अन्य कशेरुकों के रुधिर में? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन। जैसे कि आप जानते हैं ये हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, मेंढक को फेफड़े फैलाने हेतु वायु को खींचना पड़ता है, ठीक है, मेंढक को फेफड़े फैलाने हेतु वायु को खींचना पड़ता है क्योंकि उसमें जो है डायफ्राम का अभाव होता है, ठीक है, डायफ्राम का अभाव होने के कारण, डायफ्राम नहीं उपस्थित होने के कारण उसको वायु को खींचना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेंढक में ग्लॉटिस को निम्न की पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसकी पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसको, ये एरिटिनॉइड कॉर्टिलेज के पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक के फेफड़े होते हैं, दोस्तों मेंढक के फेफड़े जो है किस तरह के होते हैं, तो मेंढक के फेफड़ों की जो है पतली दीवार युक्त लचीले और खोखले थैलेनुमा होते हैं मेंढक के फेफड़े, यानी कि ऑप्शन बी है, पतली दीवार युक्त लचीले और खोखले थैलेनुमा मेंढक के फेफड़े होते हैं। मेंढक में श्वसन संपन्न होता है, दोस्तों मेंढक में श्वसन जो है कहाँ पर संपन्न होता है, तो आप जानते हैं मेंढक में श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जंतु में त्वचा श्वसन हेतु सहायक अंग की भांति कार्य करती है, तो आप जानते हैं ये मेंढक में, जैसा कि हम उस समय से इसमें चर्चा कर रहे हैं, ये मेंढक में जो है त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, मेंढक में त्वचीय श्वसन संपन्न होता है, तो मेंढक में त्वचीय श्वसन जो है हमेशा संपन्न होता है, दोस्तों देखिए ये जल में भी इस त्वचा से श्वसन कर सकता है और स्थल में भी त्वचा से श्वसन कर सकता है, तो ये बाकी ऑप्शन गलत है, ये ए वाला सही है। 47वां है, मेंढक में श्वसन तंत्र की उपकला स्तर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मेंढक में श्वसन तंत्र की उपकला स्तर की उत्पत्ति होती है, राइट आंसर है एक्टोडर्म से होती है। अगला प्रश्न है, मेंढक में किसके पाए जाने के विषय में वो मानवों से भिन्न होते हैं, ठीक है, मानवों से हम भिन्न अगर मेंढक को मानते हैं तो वो किसके पाए जाने की वजह से हम इसको मानवों से भिन्न मानते हैं, तो दोस्तों देखिए केंद्रीय युक्त लाल रक्त कोशिकाओं के होने में जो है ये मानवों से भिन्नता रखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन देखिए आप कितनी जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेलीग्राम ग्रुप से हो या आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हैं, और किसी भी अन्य प्रकार की वीडियोज और लिंक्स के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, मेंढक का हृदय मनुष्य के हृदय से भिन्न होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण चूहे का हृदय मेंढक के हृदय से भिन्न होता है, ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है सिराकोटर की उपस्थिति के कारण, ठीक है, सिराकोटर की उपस्थिति के कारण जो है ये भिन्नता रखता है, मेंढक के सिराकोटर उपस्थित होता है, दोस्तों मेंढक में जो सिराकोटर होता है वो किसमें उपस्थित रहता है, यानी कि कहाँ पर उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेंढक के हृदय की पृष्ठ सतह पर, ठीक है, मेंढक के हृदय की पृष्ठ सतह पर ये सिराकोटर उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, मेंढक में 51 नंबर का ये प्रश्न है, मेंढक में देखिए मेंढक में केवल एसिटाइल कोलिन और नॉर एड्रिनेलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करते हैं, ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए आप, एसिटाइल कोलीन और नॉर एड्रिनेलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की भांति जो है कार्य करते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है 52 नंबर का ना, तो ये उभयचर का हृदय होता है, दोस्तों उभयचर का जो हृदय होता है वो किस तरह का होता है, तो वो तीन वेश्मी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में मूत्र वाहिनियाँ मूत्र जनन वाहिनियों के रूप में कार्य करती हैं, तो जो मूत्र वाहिनियाँ होती है वो मूत्र जनन वाहिनियों के रूप में कार्य करती है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो किस्में होती हैं, वो होती हैं नर मेंढकों में, ठीक है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब मेंढक का हृदय काट दिया जाता है तब यह है, तो जब मेंढक का हृदय काट दिया जाता है तब ये क्या होता है, नमी में रखने पर अधिक समय तक धड़केगा, ठीक है, नमी में अगर इसको रख दिया जाए तो ये अधिक समय तक जो है धड़कने लगेगा, देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक की हृदय दर होती है, ठीक है, तो मेंढक की जो हृदय की दर होती है हार्ट बीट का रेट होता है वो कितना होता है, दोस्तों देखिए 64 बार प्रति मिनट होता है इसका मेंढक का। उसके अगला है, मेंढक का शिरा तंत्र खरगोश के शिरा तंत्र से भिन्न होता है क्योंकि इसमें पाई जाती है, तो इसमें क्या पाई जाती है जिसकी वजह से खरगोश से भिन्न होता है, तो वृक्क निवाहिका तंत्र इसमें पाया जाता है जिसकी वजह से खरगोश के शिरा तंत्र से ये भिन्नता रखता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखिए, मेंढक में उपस्थित शिरा जो जीभ से रुधिर ले जाती है, ठीक है, मेंढक में उपस्थित शिरा जो जीभ से रुधिर ले जाती है वो
क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है लिंगुअल, ठीक है, लिंगुअल कहलाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59 है, मेंढक की सियाटिक शिरा खुलती है, तो दोस्तों ये है पैल्विक क्षेत्र में, ठीक है, तो किस में खुलती है? पैल्विक क्षेत्र में खुलती है, पैल्विक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मेंढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स नियंत्रित होते हैं, तो मेंढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स जो है हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स। अगला प्रश्न है, मेंढक में फिनेस्ट्रा ओवेलिस है, ठीक है, मेंढक में फिनेस्ट्रा ओवेलिस है, तो यह है ऑडिटरी कैप्सूल की दरार जो मध्य कर्ण को अंतःकर्ण से अलग करती है, ठीक है, ऑडिटरी कैप्सूल की दीवार जो मध्य कर्ण को अंतःकर्ण से अलग करती है। अगला है, मेंढक में मुख्य उत्सर्जी अंग है, दोस्तों मेंढक में मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है? तो यह है वृक्कक, ठीक है, वृक्कक जो है मेंढक में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मेंढक में स्क्लेरोटिक होता है, ठीक है, तो मेंढक में स्क्लेरोटिक होता है, तो इसका राइट आंसर है तंतुमय, ठीक है, कैसा होता है? तंतुमय होता है। अगला है, मेंढक में वृक्कों की अधर सतह पर उपस्थित सिलिएटेड फनल कहलाते हैं, तो सिलिएटेड फनल क्या कहलाते हैं? ये नेफ्रोस्टोम्स कहलाते हैं, ठीक है, नेफ्रोस्टोम्स कहलाते हैं। अगला है, आप मेंढक को टोड से किस प्रकार से भिन्न करेंगे? देखिए मेंढक और टोड में जो है कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो आप जो है उसको किस तरह से भिन्न करेंगे? दोस्तों मेंढक में पैरोटिड ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है, मेंढक में पैरोटिड ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लेकिन जो है टोड में ये एक जोड़ी पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं, इस वजह से जो है ऑप्शन डी यहां पर सही है, और इसमें मेंढक और टोड में ये भिन्नता प्रदर्शित इसकी वजह से हो सकते हैं या कर सकते हैं आप भिन्नता। अगला प्रश्न है, मेंढक में मूत्राशय होता है, ठीक है, तो दोस्तों मेंढक में मूत्राशय जो है द्विपाली होता है, ऑप्शन सी में देखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मेंढक में कौन सी कर्ण अस्थि पाई जाती है, तो निम्न ये इनमें से जो है मेंढक में निम्न में से मेंढक में कौन सी कर्ण अस्थि पाई जाती है, तो इसका जो है कॉल्यूमेला ऑरिस जो है ये कर्ण अस्थि पाई जाती है, कॉल्यूमेला ऑरिस। अगला है, मेंढक के टेटपोल का नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, तो मेंढक के टेटपोल का नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है कौन सा है? दोस्तों ये है अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ क्या है? अमोनिया है इसका। मेंढक में होती है, दोस्तों मेंढक में होती है, मेंढक में क्या होती है? मेंढक में जो है कर्ण, लेकिन कर्ण पल्लव नहीं होते, मेंढक में कर्ण होते हैं लेकिन कर्ण पल्लव नहीं होते हैं, ठीक है, कर्ण होते हैं लेकिन कर्ण पल्लव नहीं होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक में अनुपस्थित होता है, मेंढक में क्या अनुपस्थित होता है? बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, मेंढक में जो है बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। अगला है, मेंढक के मस्तिष्क का कौन सा भाग पैलियम कहलाता है, तो मेंढक का मस्तिष्क का जो है पैरासील की छत जो होती है इसको हम जो है क्या कहते हैं? पैलियम कहते हैं। मेंढक में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, दोस्तों मेंढक में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि मेंढक की आंखों को कागज से ढक दिया जाए? अगर मेंढक की आंखों को कागज से ढक दिया जाए तो मेंढक कुछ नहीं करेगा, ठीक है, मेंढक कुछ भी नहीं करेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ऑप्शन सी पर आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, मेंढक की दूसरी कपाली तंत्रिका होती है, दोस्तों मेंढक की दूसरी कपाली तंत्रिका ऑप्टिक होती है, ठीक है, दूसरी कपाली तंत्रिका जो है क्या होती है? ऑप्टिक होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक की आठवीं कपाली तंत्रिका मस्तिष्क को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है? आठवीं कपाली तंत्रिका जो है मस्तिष्क को किससे जोड़ती है? ये कान से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए, तो नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण के का उचित मार्ग का इसमें से चयन करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो है शुक्राणु के स्थानांतरण के उचित मार्ग की बात करें तो सबसे पहले वृषण आएगा, जैसे कि आप जानते हैं वृषण, उसके बाद शुक्र वाहिकाएं आएंगी जिससे जो है शुक्राणु उन वाहिकाओं से होते हुए जाता है, फिर वृक्कक आता है, विडरनाल, मूत्र, जनन, वाहिनी, लास्ट में अवर्कर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है, ठीक है, तो ये अभी हमने पहले क्वेश्चन में रिपीट भी हुआ था, तो ये किस वजह से धड़कता रहता है? दोस्तों देखिए मेंढक एक असमतापी है, ये जो है गलत है। उसके बाद मेंढक में कोई हृदय परिसंचरण नहीं होता है, ये भी गलत है। हृदय पेशी जनित प्रकृति का होता है, ये सही है, ठीक है, हृदय जो है पेशी जनित प्रकृति का होता है। और अगला है, हृदय स्व उत्तेजक होता है, ठीक है, स्व उत्तेजक होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, सी और डी ये दोनों सही है, ठीक है।
तो ये थे यहाँ पर 79 क्वेश्चन दोस्तों जो हमने डिस्कस किए और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे भी हम जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो लेकर आएंगे। ये प्रश्न जो है आप किसी भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल परीक्षाओं की, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। और बाकी आप किसी भी स्टेट लेवल के या साइंस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।